शास्त्री जी और पूरी उनकी टीम यहाँ उपस्थित हमारे संतगण और हमारे इस गांव के बुजुर्ग माताएं बहने, मैं पहले तो अपने बुजुर्गों के और माताओं बहनों के चरण स्पर्श करते हैं और प्रधान जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सही समय पर सूचना दे दी तो गांव में आ गए। ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि आजकल हमने ये देखा है कि हमारे समाज में धर्म के प्रति आस्था बढ़ती जा रही है। अभी मई और जून में तो एक एक गांव में दो दो जगह भागवत बैठी थी और कोई ऐसा महीना नहीं जाता है जिसमें कथा भागवत नहीं हो रही। इन श्री मद भागवत सप्ताह के आयोजन से और धार्मिक जितने कार्यक्रम हैं उनसे जो समाज में बुराइयां फैली हैं उनका खात्मा होता है और धर्म के प्रति आस्था बढ़ती है। नौजवान आज गलत रास्ते पर भटक रहे तो इस तरह के आयोजनों से उन्हें एक अच्छी दिशा मिलती है, अच्छे विचार सुनने को मिलते हैं और ये जो शास्त्री जी अपनी वाणी से आप लोगों को बताते हैं ये कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। हमारे भगवान ने जो भी लीलाएं की हैं, जो कुछ पहले घटा है उसको बताते हैं और उसका तात्पर्य यह है कि जो लोग धर्म से भटक रहे हैं उनके धर्म के प्रति उनकी आस्था बढ़े। और मैं बहुत इस गांव के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस शुभ कार्य में हमें बुलाया। और वैसे तो गांव ये हमारा पूरा रिश्तेदार है और इलाका ही ये पूरा गढ़ी बेंद्रा लक्ष्मण नगरा पैरा कबीरपुर गोला सज्जनपुर से लगा के और सैसपुर ये सब रिश्तेदार लोग हैं और ये बहुत अच्छे वाले रिश्तेदार हैं, ये भी सही बात है। और ये गांव की रिश्तेदारी पूरी बहुत अच्छी तरीके से निभाता भी है। जब हम विधानसभा का चुनाव लड़े तो पूरी विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट सबसे परसेंटेज में वोट सैसपुर के ही निकले तो इसलिए हम इस गांव के लोगों को माताओं बहनों को बहुत बहुत इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि ये गांव टॉप है और जिस जो मांगा हमसे जो हमें क्षमता थी मैंने इस गांव के लिए दिया और डेढ़ लगभग पौने दो करोड़ रुपए अभी तक हम खर्च कर चुके इस गांव में। सदनगर ने कहा कि हमारे बाग में नहीं है, चाचा ने गाड़ी मारो अपनी के रिश्तेदार है भाई, गाड़ी क्यों मारो तुम भी रिश्तेदार हो लेकिन चले दो क्योंकि जो कुछ काम हो जाए वो कम है। और ये हम लोगों जिस तरह सैसपुर ने वोट डाला था इस तरह से अगर सारे के सारे समाजवादी पार्टी के गांव अगर वोट डाल देते तो मुझे कोई हराने वाला नहीं था लेकिन वो बड़े बड़े गांव में 50% पोलिंग रह गई, 45% रह गई। अभी शास्त्री जी कह रहे थे कि जोगिंदर सिंह कैसे हार गए, ये सही बात है कि वोट पड़ा नहीं हमारा, जो हमारा वोट था वो पड़ा नहीं, अगर वोट पड़ जाता तो कोई हराने वाला नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं, ये हार जीत तो लगी रहती है, इन बीजेपी वालों की छाती पर अभी हम चला कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, इन पे हम अभी भारी हैं। और जो वैसे तो इस गांव की कोई समस्या ही नहीं आती, झगड़ा फसाद होते नहीं और इस गांव पार्टी बंदी भी है लेकिन रिश्तेदारी हम इसलिए निभाई कि पार्टी बंदी में लोग बढ़ जाते हैं लेकिन हमारे लिए एक बच्चा भी खिलाफ नहीं गया, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और ये
इसलिए हम इस गांव से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं कि इस गांव ने हमारे नाम पर पाटिलबंदी खत्म कर दी कि हमसे आपस में कुछ भी होता रहे लेकिन जोगिंदर सिंह के लिए सब एक है। तो हम भी हमारे भी वही कर्तव्य है कि चाहे सर्वेश प्रधान जी हो चाहे कोई भी गांव का हो हमारे लिए सारे लोग एक बराबर हैं। हम कभी भेदभाव नहीं कर सकते हैं, हम एक ही बराबर कर लेंगे, ये हमारा विवचन है। इसमें भी पार्टी बंदी हो कोई भी हो लेकिन हमारे लिए सब बराबर। तो वैसे जब कथा भागवत चल रही हो और भगवान के नाम का गुणगान हो रहा हो वहां पर नेताओं को बीच में बोलने का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन हम नेता हैं ही नहीं, हम तो रिश्तेदार हैं। ये सब माता बहनें जितनी बैठी हैं ये सब हमारे यहाँ की हैं और इन्हीं का योगदान है, महिलाओं का योगदान है। हमारा ये वोट पड़ा क्योंकि चाबी तो मेरी जेब में रहती है, हमने कह दिया था हमने कि जिसने वोट नहीं दिया तो हमने अपनी बहनों से भतीजियां हैं बुआ हैं उनसे हमने कह दिया उसको खाना मत देना। तो आदमी यहाँ के इतने डरते हैं महिलाओं को, उन्हें कि भैया चिंता मत करो एक सबसे कह दो सब वोट मिलेंगे। तो ये लक्ष्मण नगरा है चाहे ये गढ़ी बेंदुरा ये सब लोग हमको डरते हैं, इसीलिए कि सब जितनी बहने हैं हमारी बुआएं हैं भतीजियां हैं वो सब इन गांव में भरी पड़ी हैं। तो आदमी कहते हैं कि लोग चूल्हे तक जड़ है तो आदमी कैसे खराब हो जाएगा, ये सही बात है कि नहीं है? तो ये जटी रहना बिल्कुल अब कहते भी तो गए थे कि नहीं रोटी मन देना जो काम कर तो आपने ज्यादा खवाना खूब मेहनत की रोटी बढ़िया बना खिलाना ठीक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।